की मदद के ताकत तो है, आज अल्लाह की मदद के ताकत तो है, लेकिन कितने वो जवान हैं जिनके मोबाइल गरीबी फिल्मों से खाली है। ना वो उसे रिसालत को तहफुज देना चाहते हो जितना रसूलुल्लाह का दिल कब्र अनवर में हम दिखाते हैं, उतना वो टीवी पर बैठ करके गाली देने वाले कुत्ते नहीं दिखाते। उनके जुमलों से हुजूर को जो दुख नहीं पहुंचता उतना हमारे अमल से पहुंचता है। क्यों? अगर पड़ोसी का बच्चा गाली दे के भाग जाए तो इंसान को उतना दिल नहीं दुखता, लेकिन खुद का बच्चा नाफरमान हो जाए तो फिर बाप का है, बाप का जीना दोगुना हो जाता है। अरे तो होते ही है ये ना अंजाम सताने के लिए, दुश्मन तो होता ही तकलीफ पहुंचाने के लिए, लेकिन सदियों मेरी कौम के चलानो जो तुम नारा लगाते हो मुझे कष्ट आता है और मेरा दिल चाहता है कि मैं अपनी कौम की जूतियों को अपने सर पर रखूं, क्योंकि तुम नारा लगाते हो गुलामी ए रसूल में मौत भी कबूल है। यकीनन तुम अपने नारे में सच्चे हो, लेकिन मेरे जवान में पूछता हूँ, तू लाशौरी तौर पर ऐसा करता है, अगर तुझे पता चल जाए तो तू ना करे। मेरे भाई जो रसूलुल्लाह को गालियां दे रहे ना, उससे आपका तो उतना दिल नहीं दुख रहा है जितना तेरे सिला के अड्डों पर जाने से दुख रहा है, जितना तेरा गाने सुनने से दुख रहा है, जितना तू गंदी फिल्में देखता है और तू फेसबुक पर यूट्यूब पर बैठकर जो अपनी रातों को आवारा करती में गुजार रहा है, उससे क्या होता है? अल्लाह को अकबर, कब्र अनवर में रसूलुल्लाह का दिल छन्नी छन्नी होता है। ऐ मेरे जवान, तेरे चेहरे पे चलने वाला बस्तरा तेरे चेहरे पे बाद में चलता है, पहले वो मेरे नबी के दिल को तकलीफ पहुंचाता है, पहले वो मेरे नबी के दिल को ज़िद पहुंचाता है। मेरे भाई तू लब्बैक या रसूलल्लाह का नारा किस मुंह से लगा रहा है? यकीनन तेरे नारे को सलाम, मुझे किसी नारे से इख्तलाफ नहीं, लेकिन पूछता हूँ कभी सोचा कि लब्बैक या रसूलल्लाह का मतलब क्या है? लब्बैक या रसूलल्लाह का मतलब है या रसूलल्लाह मैं हाजिर हूँ। मेरे भाई जरा गौर से सुनना, कहां हाजिर हो तुम, कहां हाजिर हो? हैया अला सला कहकर नबी का मुनादी आवाज दे रहा है, क्या वहां हाजिर हो? है दाढ़ी रखने का हुक्म है, क्या वहां हाजिर है? हलाल खाने का हुक्म है, क्या वहां हाजिर है? औरतों से पाप की नजर डालने से बचने का हुक्म है, क्या तू वहां हाजिर है? अल्लाह को अकबर, हर जगह से गैर हाजिर होकर सिर्फ रस्मी और इस्लामी तौर पे तू लब्बैक का नारा लगा रहा है। ऐ नौजवान, ऐ मेरी कौम के जवानों, याद रखना तेरे दिल के अंदर जो ईमान है उसमें इतनी ताकत है कि बड़ी बड़ी कुव्वतें तेरे कदमों पे झुक जाएगी, बड़ी बड़ी ताकतें तेरे कदमों पर सर रखने पर मजबूर हो जाएगी। लेकिन तू सच्चा आशिक बन कर तू देख, तू सच्चा आशिक रसूल बन कर तू देख। वल्लाह मेरे भाई, तुझे अल्लाह ने और मुझे अल्लाह ने जैसा नबी अता किया है वैसा नबी अल्लाह ने किसी को नहीं दिया। हर नबी शान वाला, हर नबी मुकाम वाला, हर नबी मर्तबे वाला, लेकिन जो अपने नबी की शान है वो किसी नबी की शान नहीं है। तुम्हें पता है अपने नबी का मर्तबा? हमने अपने नबी की कदर नहीं की, हमने अपने नबी की कदर नहीं की, सिर्फ नामों के अंदर डूबे रहे। अगर नबी की कदर की होती तो नबी के फरमान को यूपीट के पीछे न डालते, फजर की नमाज बिस्तरों में उतर कर न करते, सुबह की नमाज कारोबार में उतर कर न करते, यूं मस्जिदें वीरान न होती। लोग मुझसे कहते हैं कि सैयद साहब मस्जिदें जब सैयद साहब लोगों के घर टूट रहे हैं, मैंने कहा जो घर टूट रहे हैं और जो तोड़ रहे हैं, जुल्म करने वालों के मैं साथ में नहीं हूं, लेकिन एक जुमला जरूर कहूंगा, जो कौम सदियों से अपने खुदा का पर वीरान कर रही हो उस कौम का घर कैसे महफूज रह सकता है? उस कौम के घरों की हिफाजत कैसे हो सकती है? मेरे जुमले तर्क लगे तो माफ करना, अल्लाह के घरों को वीरान करके अपने घरों की आबादी का ख्याल करते हो? नहीं नहीं, तुम्हारे घर टूट रहे हैं, तुम्हारे घर वीरान हो रही है, तो तुम्हारे दिल पर क्या गुजर रही है? जब तुम अल्लाह के घर को वीरान करते होगे तो उस वक्त तो मुस्तफा जाने रहमत के दिल पर क्या गुजरती होगी? किसी दिन के लिए हुजूर ने पत्थर खा करके नमाज हमारे घर तक पहुंचाई थी? किसी दिन के लिए ताइफ की वादियों में नमी नहान होकर अल्लाह रब्बुल इज्जत का कुरान हमारे घर तक पहुंचाया था? चांद के टुकड़े करके सिर्फ दिन हमारे घर तक नहीं पहुंचा? हुजूर की मेहनत है मेहनत, चांद के टुकड़े होना बरहक
थे, लेकिन ये मेरे आका की मेहनत है। हमने नबी की मेहनत की कदर नहीं की। और याद रखना, हुजूर के फरमान को सबसे पहले हमने पीठ के पीछे डाला, हमने डाला इसलिए कि हमने उसकी क्या कदर की। हालांकि नाशौरी तौर पर सब कुछ हुआ, लेकिन अब कुदरत बेदार करना चाहती है। ये जो सर पर टोले पड़ रहे ना, ये बेदार करने के लिए, वरना मेरा अल्लाह तो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है अपने बंदों से। तो मैं यस करना चाहता हूँ, खुदा की मदद चाहते हो, गुनाहों से रुको और मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह की मदद आएगी। मैं ये बात कहने लगा था, ये बात कहकर किसी आगे बढ़ू, जैसा नबी खुदा ने भीख मांगे तुम्हें और मुझे अता किया है, ऐसा नबी अल्लाह ने किसी को अता नहीं किया। अरे नादान, मूसा कलीम अज़हर के मौला, मुझे मोहम्मद अरबी को उम्मती बता दे, मूसा करीम जैसे पैगंबर दुआ, मुझे उनको उम्मती बना। अल्लाह फरमाता है, मूसा तुमसे पहले 17 अंबिया ने यही दुआ की, तुमसे पहले 17 अंबिया ने यही दुआ की कि हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह को उम्मती बना दे। आप अंदाजा करें, अंबिया ने दुआ की और आपने कुछ नहीं दुआ, आपने कुछ तो नहीं, बिन मांगे खुदा ने आपको उनको उम्मती है, बिन मांगे कदर क्या की, यही कि हीरो से मोहब्बत की, उनसे सच्ची मोहब्बत की।